हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग मिखाइल फैल का एक गेम देखेंगे जिसमें उन्होंने अपने 3 माइनर पीसेस को सेक्रीफाइस करके केवल 16 चालों के अंदर ब्लैक के किंग को चेकमेट कर दिया था। दोस्तों, ये गेम उन्होंने सेल्निकोव के साथ 1970 में लेटविया में खेला था। गेम में मिखाइल फैल के व्हाइट पीसेस थे और उन्होंने गेम की शुरुआत की e4 के साथ। ब्लैक ने खेला e6, d4, d5 एंड नाइट b2। दोस्तों, ये फ्रेंच डिफेंस का त्रास वेरिएशन है। यहाँ पे ब्लैक ने खेला नाइट f6, e5, नाइट fd7, बिशप d3, c5। ब्लैक व्हाइट के सेंटर को चैलेंज कर रहा है, सो यहाँ पे खेला गया c3, नाइट c6, नाइट gf3, c×d4, c×d4 एंड यहाँ पे ब्लैक ने खेला f6 और वो व्हाइट के सेंटर पे और भी ज़्यादा प्रेशर डाल रहा है। लेकिन दोस्तों, ये f6 वाला मूव उतना अच्छा नहीं था, क्योंकि इस मूव के बाद ब्लैक का h5 e8 डायगनल काफ़ी कमज़ोर हो चुका है। इसलिए इसी का फायदा उठाते हुए यहाँ पे मिखाइल फैल ने खेला Ng5 और वो अपने नाइट को सेक्रीफाइस कर रहे हैं। यहाँ पे ब्लैक ने नाइट सेक्रीफाइस को एक्सेप्ट कर लिया और खेला f×g5। गेम में खेला गया क्वीन h5 चेक, g6, bishop×g6 एंड h×g6। यहाँ पे मिखाइल फैल ब्लैक के रुक को रिकैप्चर कर सकते थे, लेकिन उन्होंने गेम में खेला क्वीन × g6 चेक एंड king e7 के बाद यहाँ पे उन्होंने एक जबरदस्त मूव खेला जो कि था Nc4। वो अपने c1 बिशप का डायगनल को ओपन कर रहे हैं और साथ ही साथ bishop×g5 चेक खेल के ब्लैक के क्वीन को काटना चाहते हैं। इसलिए यहाँ पे गेम में bishop×g5 चेक को बचाने के लिए ब्लैक ने खेला bishop f6, जो कि इस गेम का लूजिंग मूव था। यहाँ पे bishop f6 खेलने की जगह ब्लैक को इस पोजीशन में Nd×e5 खेलना चाहिए था और bishop×g5 चेक के बाद king d7 एंड Nd×e5 के बाद यहाँ पे ब्लैक खेल सकता था Nd×e5। और अगर इस पोजीशन में व्हाइट ब्लैक के क्वीन को मारता है तो यहाँ पे ब्लैक भी व्हाइट के क्वीन को मार लेगा और इस पोजीशन में ब्लैक एक पीस अप होगा। और अगर यहाँ पे व्हाइट इस नाइट को मारता है देन यहाँ पे ब्लैक खेल सकता था bishop b4 चेक एंड king e2 के बाद queen g8। और दोस्तों, इस पोजीशन में ब्लैक का किंग काफ़ी ज़्यादा सेफ है व्हाइट के किंग से और यहाँ पे ब्लैक एक पीस अप है 2 पॉन के बदले। सो इस पोजीशन में ब्लैक का पोजीशन काफ़ी अच्छा होता, लेकिन गेम में Nd×e5 खेलने की जगह ब्लैक ने bishop f6 खेला था। सो ये एक लूजिंग मूव था। यहाँ पे मिखाइल फैल ने खेला bishop×g5 चेक और bishop×g5 के बाद यहाँ पे मिखाइल फैल को इस बिशप को रिकैप्चर करने का भी जरूरत नहीं पड़ा। यहाँ पे उन्होंने खेला queen g7 चेक एंड king e8 के बाद यहाँ पे उन्होंने खेला knight d6 एंड ये चेकमेट हो गया। दोस्तों, केवल 16 चालों के अंदर मिखाइल फैल ने इस गेम को जीत लिया। सो अगर आप लोगों को ये मिखाइल फैल का गेम पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।